सोने और चांदी के दो मटके। श्यामपुर नाम के सुंदर से गांव में दो बहन नैना और सुनैना नाम की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब वे दोनों बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनकी दादी रोज सुबह उठकर घर का सारा काम खत्म करके जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती। फिर एक दिन उन दोनों बहनों ने सोचकर अपनी दादी को एक बात बोली, अरे दादी अब आप बहुत बूढ़ी हो गई हो, क्यों ना अब हम लोग जंगल से जाकर लकड़ियां लेकर आए। अरे मेरी प्यारी बच्ची हो, तुम अभी छोटी हो बहुत, तुम कैसे जाओगी जंगल। हम दोनों जाएंगे जंगल में और रात होने से पहले वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी से घर आ जाना। फिर दोनों अगली सुबह होते ही जंगल के लिए निकल जाती है। तभी उनकी दादी उन्हें पीछे से बोलती है, मेरी प्यारी बच्चियों अपना ध्यान रखना और जंगल से ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी से घर भी वापस आ जाना, ठीक है। दादी के इतना कहते ही दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती है और जंगल में पड़ी ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके वापस लेकर आती है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों से चल रहा था। दोनों बहनें जंगल में आती थी और लकड़ी इकट्ठा करके घर वापस चली जाती थी। तभी एक दिन नैना सुनैना से बोलती है, दीदी चलो लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई, अब थोड़ी देर खेल लेते हैं। ठीक है पर क्या खेलेंगे। दीदी अभी हमारे पास सिर्फ रस्सी है, क्यों ना हम इस रस्सी से इस पेड़ पर झूला बना ले। फिर दोनों बहनें मिलकर उस पेड़ पर झूला बना लेती है और अब दोनों बहनें रोज लकड़ियां इकट्ठा करके झूला झूलने लगती थी। झूला झूलकर दोनों बहनों को बहुत खुशी मिलती थी, दोनों बहनें बहुत खुश भी होती थी। झूले पर झूलते झूलते नैना की नजर एक मटके पर पड़ी। उसने तुरंत झूले से उतर के मटके के पास जाकर देखा, उसमें ढेर सारा खजाना पड़ा था। नैना मटके के अंदर झांक कर देखने लगती है और देखते ही देखते नैना का सर मटके के अंदर फंस जाता है और मटके के अंदर से अपने बहन सुनैना को आवाज लगाते हुए बोलती है, दीदी दीदी जल्दी आओ, देखो मेरा सर मटके के अंदर फंस गया है। नैना की आवाज सुन के सुनैना भागी हुई आती है और मटके को ऊपर की तरफ खींचने लगती है ताकि नैना का सर मटके से निकल जाए। देखते ही देखते मटका सर से बाहर निकलने की वजह से नैना को भी अपने अंदर समा लेता है। मानो जैसे दोनों बहनों की आंखें बंद होकर आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो। वो जैसे ही आंखें खोलती है वो दोनों अपने आप को एक समुद्र के किनारे खड़ी पाती है। दीदी अब हम ये कहाँ आ गए। नैना के इतना बोलते ही वहाँ एक विशाल बड़ा सा राक्षस प्रकट हुआ जिसको देखकर दोनों बहनें बहुत डर गई। अरे ये राक्षस कहाँ से आ गया, अब ये हमें खा जाएगा। दोनों बहनों को डरता हुआ देखकर राक्षस बोलता है, अरे तुम दोनों डरो मत, यह पहेलियों की नगरी है, तुम दोनों को यहाँ से वापस जाने के लिए कुछ पहेलियाँ सुलझानी पड़ेगी। ये बोलकर राक्षस एक पहेली उनके सामने बोलता है, तुम्हें पार करनी होगी सांपों से भरी नदी, शेर की डरावनी गुफा और भूतिया जंगल। पहेली का सही जवाब देने पर ही तुम्हें आगे का रास्ता नजर आएगा। इतना कहकर वो राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। तभी नैना और सुनैना दोनों बहनें आगे की ओर चलने लगती है। आगे चलकर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी में ढेर सारे सांप थे पर ये देखकर नैना सुनैना से बोलती है, दीदी उसने कहा था कि सांपों से भरी नदी है, पर दीदी मुझे तो लगता है कि अगर हम ये नदी पार करेंगे तो ये सांप हमें खा जाएंगे। नैना ये पहेलियों की नगरी है, हमें पहेलियां पूछकर ही आगे का रास्ता चलना होगा। तभी नैना उन सांपों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है, हमसे पहेली पूछो क्योंकि हमें हमारे घर जाना है। तभी नदी से एक बड़ा और विशाल सांप बाहर आता है और वो आकर बोलता है, मैं यह नदी पार करने में मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है पहेली पूछो। पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिना तुम ना रह पाओगे, बताओ कौन हूँ मैं।
सांप की पहेली सुनकर दोनों बहनें सोचने लगती है। तभी नैना जवाब देते हुए बोलती है, हवा। बिल्कुल ठीक। फिर वो सांप दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी को पार करा देता है। नदी को पार करते ही वे दोनों एक डरावनी सी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और गुफा में डरावने जानवरों की आवाज आने लगती है। दीदी, अब तो रात हो गई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये डरावनी आवाज सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिर सुनैना चिल्ला कर बोलती है, हम ये गुफा पार करना चाहते हैं, हमसे कोई पहेली पूछो। तभी वहाँ एक बड़ा विशाल शेर आया और उसने अपनी पहेली पूछी। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर नहीं चुरा सकता? ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। मनुष्य का धन तो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं खत्म होता। ठीक जवाब, अब तुम इस गुफा से जा सकती हो। फिर दोनों बहनें उस गुफा को पार कर लेती है और वो गुफा को पार करते ही एक भूतिया जंगल के पास पहुंच जाती है। जंगल में घोर अंधेरा था और वहां से रोने की जोर जोर से आवाजें भी आ रही थी। अरे दीदी, ये तो भूतिया जगह लगती है और मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। अरे नैना, तुम डरो मत, हिम्मत रखो। नैना के इतना बोलते ही वहाँ एक भूत प्रकट हो जाता है और वो भूत जोर जोर से हंसता हुआ बोलता है, कौन है मेरे जंगल में? मुझे यहाँ पर इंसानों की आवाज़ सुनाई दी है। भूत जी, हम दोनों एक मटके में फंस गए थे और उस मटके की वजह से हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने मेरी पहेली का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से पहेली पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं? ये बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती है। तभी सुनैना नैना से बोलती है, भला ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं और खाते ही नहीं? लगता है दीदी, आज भूत हमें खाकर ही जाएगा। तभी सुनैना भूत की ओर देखकर उसकी पहेली का जवाब देती है, थाली। शाबाश, तुमने एकदम सही जवाब दिया है। अब हमें हमारे घर जाना है। तुम दोनों बहुत समझदार लड़की हो, तुमने मेरी पहेली का एकदम सही जवाब दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें खुश होकर एक जादुई मटका देता हूँ। यह मटका एक जादुई है, इससे तुम बहुत सारे खजाना निकाल सकती हो। नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे घर जाना है। अरे यह तो तुम्हारा इनाम है, इसको तो तुम्हें लेकर ही जाना होगा। ठीक है, अब जल्दी से तुम दोनों इस मटके में चली जाओ, यह तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। फिर दोनों बहनें देखते ही देखते जादुई मटके के अंदर चली जाती है और भूत का शुक्रिया अदा करती है। जादुई मटके के रास्ते से दोनों बहनें सीधे अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वे दोनों अपनी दादी को सारा किस्सा बताती है और उनके साथ उनका वो जादुई मटका भी होता है, जिससे वो बहुत अमीर हो जाते हैं और अब वो अपने गांव में हर गरीब की मदद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।